शुरू करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए इस तरीके से मैंने रेक्टेंगल पीस ऑफ फैब्रिक लिया है। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी विड्थ मैंने ली है 21 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 24 इंच। तो हम इसे सबसे पहले शेप देते हैं। फोल्ड कीजिए, 1 फोल्ड सेंटर में से, फोल्ड 2 फोल्ड, 2 फोल्ड कर लिए। यहां से बंद वाली तरफ है, यहां से बंद वाली तरफ है, ये जो ओपन वाली तरफ है यहां से हमें ड्राफ्टिंग करनी है। 2.5 इंच निशान लगाया, इसे स्ट्रेट मिला दीजिए। 2.5 इंच, यहां से भी 2.5 इंच, यहां से 2.5 इंच स्ट्रेट मिला दिया, यहां से 2.5 इंच स्ट्रेट मिला दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहां से हमें लेना है इस वाली बंद वाली तरफ से 7 इंच, 7 इंच पे निशान लगाना है और यहां से हमें लगाना है 5 इंच, 5.5 इंच पे, 5.5 इंच पे निशान लगाना है। इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए। इस निशान को इस निशान से मिला दिया। अब इस निशान से हमें आगे लेना है 4 इंच, हमें आगे लेना है और एक निशान लगाना है। तो यहां से 4 इंच पे मैंने निशान लगा दिया सीधा इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इसी शेप में। यहां से मैंने 4 इंच लिया है और फिर उसे सीधा मिला दिया ऊपर की तरफ। अब इसी शेप में इसकी कटिंग कर लीजिए। कर लिया, ये भी कट कर लीजिए जो एक्स्ट्रा मैंने निशान लगाया था इस तरीके से। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। सेम इसी साइज की एक पीस फॉर्म शीट जो आप इसके अंदर लगाना चाहते हैं, फॉर्म शीट, रबर शीट, राइस बैग, कुछ भी आप लगाना चाहते हैं, और एक पीस लाइनिंग जिसके लिए आप कोई भी पुराना कपड़ा, लाइनिंग वाला कपड़ा, कुर्ते का कपड़ा यूज कर सकते हैं। सेम शेप में एक पीस लाइनिंग और एक पीस फॉर्म शीट का कट कर दी। सेम इस साइज की एक पीस फॉर्म शीट और एक पीस लाइनिंग मैंने कट कर ली। अब आपको क्या करना है, सबसे नीचे आपको लाइनिंग रखनी है। ये मैंने लाइनिंग वाला पीस रखा, उसके ऊपर आपको इस तरीके से फॉर्म शीट रखनी है। फॉर्म शीट, रबर शीट, राइस बैग, आटा बैग, जो भी आप इसमें यूज कर रहे हैं, बुकरम यूज कर रहे हैं, वो रखनी है। और उसके ऊपर इस तरीके से मेन फैब्रिक जिसका हमने बैग बनाना है इस तरीके से। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए ताकि हमारे पास ये वन पीस रेडी हो जाए। इस पे सिलाई लगा ली, नीचे लाइनिंग, बीच में फॉर्म शीट और उसके ऊपर इस तरीके से कपड़ा। तो ये मेरा वन पीस रेडी हो गया है इस तरीके से। अब हम पहले इसके लिए स्ट्रैप बनाते हैं। तो 2 मिनट हम इसे साइड पे रखते हैं। स्ट्रैप बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया है इस तरीके से, 4 इंच लंबाई है, 25 इंच। इसे फोल्ड करके स्ट्रैप को रेडी कर लीजिए। 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और एक और फोल्ड इस तरीके से, इसे और इसे दोनों को रेडी कर लीजिए। इस तरीके से रेडी कर लिया। अब हम इसे पहले इस पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो कट है इससे नीचे हमें लगाना है। यहाँ पे एक स्ट्रैप यहाँ पे रखनी है इस तरीके से, और इसे राउंड में घुमाते हुए एक स्ट्रैप यहाँ पे रखनी है इस तरीके से। एक स्ट्रैप इस तरफ ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पे, और एक स्ट्रैप दूसरी तरफ। मैंने स्ट्रैप ज्वाइन कर लिया, एक स्ट्रैप इस तरफ, एक स्ट्रैप इस तरफ। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें जिप ज्वाइन करनी है। जिप कैसे ज्वाइन करनी है, ये स्ट्रैप मैंने कितने इंच पे ज्वाइन किया ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इस वाले कट से 2.5 इंच इधर और उसके बाद 1 इंच नीचे की तरफ मैंने ये स्ट्रैप ज्वाइन किया, एक इस तरफ एक दूसरी तरफ। अब हमें क्या करना है, अब हम जिप अटैच करते हैं। ये मैंने जिप ली, इसके बराबर हमें जिप चाहिए। इसे इस तरीके से रखिए सीधी तरफ, अंदर की तरफ ऐसे रखते हुए यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगी। ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे दूसरी तरफ को टर्न कीजिए इस तरीके से, टर्न करते हुए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा, इस पे टॉप स्टिच लगा लिया। तो एक तरफ जिप अटैच हो गई, अब हम दूसरी तरफ अटैच करते हैं। तो जिप को पकड़ना है ऐसे, इस तरफ रखना है, ये देखिए इस तरीके से।
यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा ली, यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा ली। अब इस पे भी इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी ऊपर टॉप स्टिच लगा लीजिए। ये देखिए दूसरी तरफ भी मैंने टॉप स्टिच लगा लिया, तो ये मेरी जिपर अटैच हो गई ऊपर की तरफ इस तरीके से। देखिए तो वही कटिंग है जो हमने की थी, बस हमने यहाँ पे जिपर अटैच कर दी और यहाँ पे हमने स्ट्रैप अटैच कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस वाले कॉर्नर को यहाँ पे स्टिच करना है और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से स्टिच करना है। तो इसे इस तरीके से फ्लैट बिछा दीजिए, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के ऊपर, ये देखिए इस तरीके से, और यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए वन। उसके बाद इसे यहाँ पे करते हुए इस तरीके से यहां से लेके यहां तक, तो वन और टू दोनों तरफ सिलाई लगी, मैंने सिलाई लगा ली यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अब ये जो रफ एजेस हैं इसे फिनिश करने के लिए मैंने इस तरीके से सेम कपड़े की पट्टी ली है, सिंपल स्ट्रेट पट्टी है 2 इंच की। इसे रख फोल्ड करना है आपको साइडों से इस तरीके से फोल्ड करते हुए, हाफ नीचे की तरफ हाफ ऊपर की तरफ इस तरीके से रखते हुए इस पे पूरे पे पट्टी लगा लीजिए, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। रफ एजिस को फिनिश कर लीजिए, रफ एजिस को इस तरीके से मैंने पट्टी से फिनिश कर दिया, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। अब आपको 4 सिलाइयां लगानी है, 1, 2, 3 और 4, चारों कॉर्नर्स पकड़ के। पकड़ना कैसे, ऐसे सिंपल इसे ऐसे पकड़िए, 1 यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लीजिए, फिर ये दूसरा कॉर्नर पकड़ना है 2 यहां से लेके यहां तक, फिर ये तीसरा कॉर्नर पकड़ना है 3 यहां से लेके यहां तक, और फिर ये पकड़ना है 4 यहां से लेके यहां तक। तो रफ से सिलाई लगा ली, एक यहां से और एक यहां से, तो एक साइड हमारी बन गई। सेम उसी तरीके से हमें इस तरफ से भी सिलाई लगानी है, 3rd सिलाई यहां से ऐसे पकड़ना है यहां से लेके यहां तक, और यहां से ऐसे पकड़ना है यहां से लेके यहां तक। तो ये मैंने चारों सिलाइयां लगा ली, 1, 2, 3 और 4। अब आपको क्या करना है, जैसे रफ है जिस पट्टी से फिनिश किए थे 1, 2, 3 और 4, ये चारों एजेस भी सिंपल स्ट्रेट पट्टी है 2 इंच की, इससे हम फिनिश कर देंगे जैसे पहले किया था। दोनों तरफ से फोल्ड करना है, 1/2 इंच नीचे की तरफ 1/2 इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से। तो 1, 2, 3, 4 चारों को इस तरीके से पट्टी से फिनिश कर दीजिए। ये रफ एजेस इस तरीके से पट्टी से मैंने 1, 2, 3, 4 चारों फिनिश कर दिए। अब यहाँ वाली जिप वाले पोर्शन की तरफ से यहाँ से इसे पूरा पहले सीधा कर लीजिए। ये मैंने इसके अच्छे से सारे कॉर्नर्स निकाल लिए, काफी वाइड इसका बॉटम बना, देखिए काफी अच्छा बॉटम, साइड्स इस तरीके से, और साइज भी काफी अच्छे साइज में हमने इसे बनाया है इस तरीके से। देखिए तो ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए इस तरीके से बैक साइड, फ्रंट साइड, यहाँ पे ऊपर जिपर के साथ, बनाने में बहुत ही आसान, तो बिल्कुल रेडी टू यूज है, बिल्कुल रेडी हो गया है।